हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस अब हमारा आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो है सिस्टमेटिक डायग्राम है यहाँ पे ये हमारा सैंपल इंजेक्टर होता है ये आयन सोर्स होता है ये मास एनालाइजर ये आयन डिटेक्टर और ये हमें यहाँ पे सिग्नल सेंसर होता है सिग्नल मिलता है और ये हमारा रिकॉर्डर होता है ये हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर का ब्लॉक डायग्राम है अब ये बेसिकली होता कैसा है ये होता है हमारा ये सैंपल इंजेक्शन पोर्ट होता है यहाँ के थ्रू इसके थ्रू हम क्या है सैंपल इजेक्ट करते हैं यहाँ क्या जो है फिलामेंट लगा हुआ होता है किसका किस वजह किस लिए लगा होता है कि सैंपल को जो है हम जो है वेपर की फॉर्म में कर सकें तो ये हमारा सैंपल मोलिक्यूल है यह फिलामेंट लगा हुआ है सैंपल को वेपोराइज करने के लिए यहाँ से हम क्या इलेक्ट्रॉन के बीम डालते हैं जो है जो है वेपर के स्टेज में ही वेपर फेज में ही हम उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन का बंबार्डमेंट करते हैं और ये क्या है हमारे यहाँ ये जो है ये एसिलेटर लगे हुए हैं ये आयन बीम यहां से हमारी इसके थ्रू यहाँ पास होती है ये हमारे मैग्नेट लगे हुए हैं दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए और ये हमारा डिटेक्टर होता है अब ये हमारा कैसे काम करता है इसका हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन है पहला जो है सैंपल इजेक्टर द सैंपल इज प्लेस्ड विद इन आयनाइजेशन चैम्बर आइदर एज ए पार्ट ऑफ द आयन सोर्स और कोटेड ओन अ फिलाेंट अब जो है हम सैंपल जो है जो है प्लेस करते हैं डालते हैं किसमें आयनाइजेशन चैम्बर में या तो उसे आयन सोर्स के फॉर्म में ही या आपके और कोटेड या किसी फिलाेंट के ऊपर कोट करके द सैंपल रेंजिंग फ्रॉम टेन रेज टू दी पार माइनस फोर टू टेन रेज टू दार माइनस नाइन ग्राम इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूसड इन टू बीम सोर्स इतना हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आयन बीम सोर्स में दिस इज एप्लीकेबल फॉर आर वोलेटाइल एट टू जो इस टेम्परेचर की रेंज में हमारे कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं वो उन्हें हम वो उन्हीं के ऊपर ये हमारा एप्लीकेबल होता है अब हमने क्या किया कि सैंपल को हमने आयनाइजेशन चैम्बर में इंजेक्ट कर दिया अब जो आयनाइजेशन चैम्बर है वहाँ आयनाइजेशन कैसे होता है आयन का सोर्स क्या है हमारा द आयन सोर्स कन्वर्ट मोलिक्यूल इंटू गैशस आयंस जो आयन सोर्स है हमारा वो मोलिक्यूल्स को गैशस आयंस के फॉर्म में कर देता है द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आयन्स इन्वॉल्विंग बम्बार्डिंग द सैम्पल विद अ बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स फ्राम एन आयन गन एक आयन गन की हेल्प से हम क्या करते हैं सैम्पल को इलेक्ट्रॉन की बीम से बम्बार्ड करते हैं द वेपर इज अलाउड टू पास थ्रो अ स्लिट ए इन टू द आयन चैम्बर वेपर फेज में ही जो है हम उसे अलाउ करेंगे स्लिट ए के थ्रू हम उसे पास करेंगे इट इज देन बम्बार्ड बाय स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस फ्राम अ टंगस्टन फिलामेंट अब हम क्या करेंगे वेपर फेज में उसके ऊपर हमने क्या करा इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया द बंबार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी ऑफ अबाउट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी हाई एनर्जी की हम उसे एनर्जी देते हैं ड्यू टू बम्बार्डमेंट द मॉलिक्यूल्स जनरली लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म में पेरेंटाइन रेडिकल अब इस इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो आयन के फॉर्म में आ जाता है पेरेंटाइन रेडिकल के फॉर्म में आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और पेरेंटाइन रेडिकल के फॉर्म में आ जाता है तो हमने क्या किया पहले तो सैंपल को हमने इंजेक्ट किया आइन एजिन चैम्बर में जो है फिर उसे क्या किया हमने वेपर की फॉर्म में लाए फिर हमने उसका इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया उसके ऊपर किस लिए कि उससे एक हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और पेरेंट आयन रेडिकल हमने बना लिया अब ये हमारा जो है आयनाइजेशन जो है सैम्पल का और एसिलेटर इस तरह से होता है ये हमारा यहाँ लगा हुआ है इसकी हेल्प से हमने क्या किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने क्या सॉरी जो हमारा मॉलिक्यूल है उसे हमने पहले वेपोराइज़ किया फिर वेपोराइज़ करने के बाद हमने क्या किया इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया अब हम जो है उसका एसिलेशन कैसे करते हैं ये हम अभी आगे स्टडी करेंगे द बंबार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मे रिजल्ट इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आयन अब बम्बार्डमेंट से हमारे ये डिफरेंट तरह के आयन्स बन सकते हैं हमारा जो जिसमें मोस्ट प्रोबेबल जो होता है ये होता है हमारा ए बी प्लस प्लस के टू इलेक्ट्रॉन तो ये हमारा जो पेरेंट आयन बना पॉजिटिवली चार्ज आयन बना जो हमारा ये मोस्ट प्रोबेबल हमारा जो है फ्रेगमेंट है बाकी जो है हमारी क्या है जो है वो लिस्ट प्रोबेबल है तो जो इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट से ये पॉसिबल आयंस हमारे बन सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रेरेंट मोलिक्यूल इज यूजरली टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेन इलेक्ट्रॉन वोट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जनरली किसी न्यूट्रल पेरेंट मोलिक्यूल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए विद दिस मच एनर्जी नो आयस आर फॉर्मड इस एनर्जी से केवल क्या है हमारा जो है आयंस नहीं बनते, no no केवल क्या है, हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई नहीं होता बट इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अराउंड 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे कि हमने भी किया कि हमने जो बम्बार्डमेंट करते हैं कितने एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की सेवेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन एडिशनल एनर्जी इज कंज्यूम्ड अब हमें क्या है कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए के

इलेक्ट्रॉन और ओल्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या वो जो है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो या इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो इज डिटेक्टेड इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर उसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्ट कर लेते हैं वेयर एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और द रेडिकल्स आर लेफ्ट अनडिटेक्टेड लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स मतलब जो न्यूट्रल होता है सिर्फ पॉजिटिव आयंस को हम उसमें जो है पॉजिटिव आयन फ्रेगमेंट्स को हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स जो है हमारे अनडिटेक्टेड रह जाते हैं अब यहाँ हमारा आयनाइजेशन हो गया अब हम एनालाइज किस तरह से करेंगे सेपरेट किस तरह करेंगे आयंस को अब मास एनालाइजर के अंदर आएगा हमारा जो है द पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है या तो वो पेरेंट आयंस हो या फ्रेगमेंट आयंस हो प्रोड्यूस्ड इन द आयन चैम्बर आयन चैम्बर में हमारे क्या बन गए ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गए और एसिलेटेड बाय अप्लाइंग एन एसिलेशन पोटेंशियल इन्हें हम क्या करेंगे एसिलेरेट करेंगे कैसे एसिलेटिंग पोटेंशियल लगाने से लगाएंगे उसके ऊपर दीज आयंस देन एंटर द मास एनालाइजर अब ये जो आयंस जो हमारे बने हैं जो पेरेंट आयन और फ्रेगमेंट बनी है इलेक्ट्रॉन के बंबार्डमेंट से ये जो क्या है मास एनालाइजर के अंदर आएंगे हियर द फ्रेगमेंट आयन्स

थ्री स्लिट्स विद वोल्टेज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर अब जो ये हमारी तीन स्लिट हैं इनके थ्रू ये पास होगा ये स्लिट ए ये स्लिट बी ये स्लिट सी अब जो है पॉजिटिव आय जो है हमारा पॉजिटिव आयनाइजेशन चैम्बर में वो क्या है रिपेल हो रहा है और इन थ्री स्लिट्स के थ्रू पास हो रहा है जो मिडल की जो स्लिट होती है जो हमारा ये जो इनका ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वो है वोल्टेज है तो जो हमारे मिडल स्लिट की कुछ इंटरमीडिएट वोल्टेज होती है लेकिन फाइनल वाले की तो बिल्कुल जीरो वोल्ट होती है तो ऑल आयंस आर एसिलेटेड इन इन टू अ फाइनली फोकस्ड बीम अब इस एसिलेटर के थ्रू एसिलेटिंग पोटेंशियल के थ्रू पास होके जो आयंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं फाइनली फोकस्ड बीम के फॉर्म में आ जाते हैं अब जो पॉजिटिव आयंस टेबल थ्रू होल ऑफ द एनालाइजर अब जो पॉजिटिव आयंस होते हैं हमारे वो एनालाइजर पोर्शन के थ्रू पास होकर पोर्सन ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर विद हाई वेलोसिटी एंड आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एम बाई ई वैल्यू अब जो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो एनालाइजर के थ्रू जो है हमारे जो है ट्रेवल करते हैं उसके थ्रू पास होते हैं और अपनी एम बाई ई रेशियो के बेसिस पे वो सेपरेट होते रहते हैं तो डैम्सटर मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ यूज फॉर दिस परपज़ डैम्प्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर इस परपज़ के लिए यूज होता है ये हमारा क्या है ये हमने यहाँ ये जो है जो एसिलेटेड पोटेंशियल हमें लगा रखा है यहाँ पे एसिलेटेड पोटेंशियल लगाया हुआ है यहाँ जो है आयंस जो है हमारे एसीलेटेड हो गए और ये कलेक्टर कलेक्ट करेगा और ये एम्पलीफायर एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा और यह हमें ये स्पेक्ट्रम मिल जाएगा द पॉजिटिव आयंस ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ थ्रो वन डिग्री अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड एच अब जो पॉजिटिव आयंस हैं वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेंगे वन डिग्री में एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ क्या है एच सपोज एन आयन हैविंग ए चार्ज ई इज एसिलेटेड थ्रू अ वोल्टेज वी सपोज करते हैं कि एक आयन है जिसके ऊपर ई चार्ज है वो एसलेट होता है थ्रू ए वोल्टेज वी तब उसकी कायनेटिक एनर्जी आयन की क्या होगी हाफ एम वी इज इक्वल टू ई वी मतलब दोनों एनर्जी बराबर हो गई ये क्या हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई ये पोटेंशियल एनर्जी होगी अब हाफ एम वी जहाँ वी क्या है वेलोसिटी ऑफ द आयंस आफ्टर एसिलेशन और ये जो कैपिटल वी है ये हमारा क्या है पोटेंशियल अप्लाइड कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है इन्हें मैग्नेटिक फील्ड एच एन आयन विल एक्सपीरियंस फोर्स एच ई वी अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आयन कितनी फोर्स हमारी एक्सपीरियंस करेगा एच ई वी इट प्रोड्यूस एन एसिलेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर तो वो उसने कितना सर्कुलर कितना एसेलेशन प्रोड्यूस करेगा वी स्क्वायर बाई आर जहाँ आर क्या है रेडियस है पाथ का अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ के हिसाब से अब चूँ दोनों एनर्जी को हम बराबर जो है इक्वेट कर लेंगे ये हो गया हमारी एच ई वी और ये हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर तो ये हमारी दोनों फोर्स हमने क्या किया दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया अब हम क्या करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर 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 इज इक्वल टू अब ये वी स्क्वायर है तो वी फोर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर अब ये वी स्क्वायर ये वी फोर तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ केवल वी स्क्वायर रह जाएगा इधर का वी स्क्वायर खत्म एच स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी जो हमने रिलेशन भी पढ़ा पोटेंशियल जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमने दोनों को इक्वेट किया था अब इस वजह से हमारा एम वी स्क्वायर इस टू को हम इधर ले जाएंगे तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ई वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर थर्ड इस इक्वेशन में हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमें निकल के आई एच स्क्वायर एम टू ई बाई आर स्क्वायर अब ये ई e से ई e कैंसिल हो जाएगा तो एच स्क्वायर ई इज इक्वल टू एम टू वी बाई आर स्क्वायर और एम बाई e, इस ई e को इधर ले जाएंगे हमारा और ये चीज हमारी इधर हो जाएगी तो एम बाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू वी अब इस इक्वेशन की हेल्प से इट इज़ क्लियर दट अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एसिलेटिंग वोल्टेज ऑफ द आयंस ऑफ एम बाई वैल्यू विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर वो एक हमारा सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है द आयंस ऑफ वेडियस एम बाई वैल्यूज रीच द ओसिलेटर एम्पलीफायर अ रिकॉर्डर अब वो आयंस अपनी रेस्पेक्टिव एम बाई वैल्यू के बेसिस पे जो है कलेक्टर तक पहुँचेंगे एम्पलीफाई होंगे और रिकॉर्डिंग हो, होंगे रिकॉर्ड होंगे द मास स्पेक्ट्रम कैन बी ओबेंड आइदर बाय अब मास स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं या तो हम क्या है फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट करके जो है हमारा जो है वी को कांस्टेंट करके या तो हम एच को वेरी कर लें मीन्स या तो वोल्टेज को कॉन्स्टेंट करके फील्ड को वेरी कर लें या फील्ड को कॉन्सटेंट करके वोल्टेज को वेरी कर लें तो यदि हम जो है फील्ड को चेंज करके वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं तब हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिलता है मैग्नेटिक स्कैनर उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक स्कैनिंग और यदि हम वोल्टेज को constant, चेंज करके और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं उससे जो हमें मास स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम कहते हैं वोल्टेज स्कैनिंग अब इसमें जो है दो जो है इम्पोर्टेंट थिंग जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं अब जो आयंस इसमें हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है हमारे आयंस जो है पास हो रहे हैं जो अपनी अपनी एम बाई ई वेस इसके बेसिस पे वो हमारे सिग्नल दे रहे हैं अब जो आयंस जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे डिफ्लेक्ट होते हैं वो अपने जो है किसके बेसिस पे हमारे सेपरेट होंगे अपने एम बाई वैल्यू के बेसिस पे तो आयंस आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर मासिस अपने मास के बेस पे डिफ्लेक्ट होंगे द लाइटर दे आर द मोर दे आर डिफ्लेक्टेड जितना हल्का हमारा आयन होगा उतनी इजीली डिफ्लेक्ट हो जाएगा द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन कितना पॉजिटिव चार्ज हमारा आयंस के ऊपर है इसके ऊपर भी डिफ्लेक्शन हमारा डिपेंड करेगा द मोर द आयन इज चार्ज द मोर इट गेट डिफ्लेक्टेड जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट होगा ये हमने एक मिक्सड आयंस की स्ट्रीम दो मैग्नेट के थ्रू पास की तो अब इसमें क्या है कुछ जो है हमारे स्ट्रांगली डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं कुछ कम हो रहे हैं और कुछ हमारे बिल्कुल कम हो रहे हैं तो ये हमारे सेपरेट आउट हो जाएंगे अपनी एम बाई ई वैल्यू के बेसिस पे अब जो हमारा जितना जिसका मास जितना कम है वो हमारा क्या है वो उतना ही ज़्यादा हमारा डिफ्लेक्ट होगा जिसका माच जितना ज़्यादा है वो उतना ही कम डिफ्लेक्शन हमारा शो करेगा तो जब हमारे ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमारे जो ये चार्ज आयंस हैं ये पास होंगे तो अपनी एम बाई ई वैल्यू के बेसिस पे वो हमारे अलग अलग हमारे सिग्नल देंगे अब जो आयन डिटेक्टर है जो सिग्नल को डिटेक्ट करता है द आयंस विच आर सेपरेटेड बाय द एनालाइजर आर डिटेक्टेड एंड मेजर्ड इलेक्ट्रिकली और फोटोग्राफिकली हम उन्हें इलेक्ट्रिकली या फोटोग्राफिकली किसी भी तरीके से हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं जो एनालाइजर से हमारे आयंस आ रहे हैं द आयंस पास थ्रू द कलेक्टिंग स्लिट वन आफ्टर द अदर एंड फॉलो फॉलोन द डिटेक्टर जो आयंस हमारे पास होते हैं कलेक्टिंग स्लिट के थ्रू एक एक के बाद एक वो हमारे कहाँ हैं डिटेक्टर तक आ रहे हैं द फोकस्ड आयन बीम पासिस थ्रू द कलेक्टर स्लिट टू द डिटेक्टर विच मस्ट कन्वर्ट द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन्स इंटू इलेक्ट्रिक करंट जो क्या करती है जो हमारी स्ट्रीम आ रही है पॉजिटिवली चार्ज आयन्स की उसे किस में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है क्या जो हमारा ये जो जो कलेक्टर स्लिट के थ्रू जो पास हो रहे हैं डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं दिस मस्ट बी एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड आय ग्राफिकली और डिजिटली तो मतलब बेसिकली होता क्या है एनालाइजर से जैसे आयंस आते हैं वो डिटेक्टर तक आते हैं डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करता है फिर क्या होता है वो एम्पलीफायर उन्हें एम्प्लीफाई करता है और फिर फाइनली वो हमारे रिकॉर्ड होते हैं या तो ग्राफिकली या हमारे डिजिटली सेवरल डिफरेंट एम्पलीफिकेशन सिस्टम आर यूज एम्पलीफिकेशन के लिए भी हम डिफरेंट एम्पलीफायर यूज करते हैं बट द मोस्ट कॉमन इज द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर हम कॉमनली एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं विच ऑपरेट्स इन ए मैनर सिमिलर टू फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर ये हमारा फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर की तरह ही काम करता है द स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड बाई यूजिंग ए फास्ट स्कैनिंग ओर सिलोग्राफिक स्पेक्ट्रम को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं फास्ट स्कैनिंग ओसिलोग्राफ की हेल्प से इन दिस टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग थ्री टू फाइव रिकॉर्ड ऑफ द सेम पीक आर मेड केवल एक 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 ही पीक के लिए हम तीन से पांच रिकॉर्ड हम ऑबटेन कर सकते हैं तो ये हमारा क्या फास्ट स्कैनिंग ओसिलोग्राफ का काम होता है ये हमारा क्या है स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करता है तो जो है इस तरह से हम जो है जो है उसे अपना जो हमारा मोलिक्यूल है उसे हम जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से इस तरह से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं तो ये था हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन थैंक यू